हेलो एवरीवन, वेलकम टू विष्णु क्लासेस। मैं साक्षी, आज हम हिडन करिकुलम के करेक्टरिस्टिक्स करेंगे, क्योंकि हमने पहले जो हमने किया था वीडियो में हिडन करिकुलम क्या होता है उसके बारे में जाना था। तो आज हम क्या करेंगे, करेक्टरिस्टिक्स ऑफ हिडन करिकुलम, हिडन करिकुलम की क्या करेक्टरिस्टिक्स होती हैं। ठीक है, सबसे पहली है इट इज़ एडिशन इन अवर नॉलेज बिकॉज इट इज़ नॉट प्लान्ड। ठीक है, मैंने पहले ही आपको बताया था कि जो करिकुलम होता है वो दो तरह का होता है। ठीक है, एक हिडन करिकुलम होता है और एक होता है कोर करिकुलम। हिडन करिकुलम क्या होता है, जो हमें मॉरल वैल्यूज़ मिलती हैं वो सब हिडन करिकुलम में आता है। ठीक है, तो ये क्या है, ये प्लान्ड नहीं होता, एक तरह की एडिशन है हमारे नॉलेज में। इससे जो है हमारी मॉरल डेवलपमेंट होती है, वैल्यूज़ जो है इन्हांस होती हैं। इसके लिए जो है हिडन करिकुलम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है, हिडन करिकुलम इज़ डायनामिक इन नेचर। डायनामिक है, डायनामिक कैसे हैं, जैसे मॉडर्न मॉडर्निटी आती रहती है, आगे आगे चेंजेस होते रहते हैं। ठीक है, तो उससे जो है वैल्यूज़ भी डिफरेंट डिफरेंट होती रहती हैं। जैसे पहले सती सिस्टम था, उसे अबॉलिश किया गया, मतलब जो पहले माना जाता था, ट्रेडिशन था, उसे भी डिस्करेज किया जाता है न्यू टाइम्स में। ठीक है, तो वो क्या है, हिडन करिकुलम जो है एक तरह का डायनामिक इन नेचर है, चेंज होता रहता है। अलग अलग स्कूल कॉलेजेस जो हैं, डिफरेंट डिफरेंट जो हैं उनका हिडन करिकुलम होता है, क्योंकि हर एक स्कूल के जो हैं अपने नॉर्म्स होते हैं, अपने वैल्यूज़ होती हैं। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ट्रांसमिट द नॉर्म्स एंड वैल्यूज़। अभी मैंने बताया कि हर एक स्कूल जो है उनके अपने नॉर्म्स होते हैं, अपनी वैल्यूज़ होती हैं। तो ये हिडन करिकुलम करता क्या है, हिडन करिकुलम जो है हमें बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं, नॉर्म्स जो हैं वो सिखाता है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड। ये जो है हमारे लिए इजी है। ठीक है, वो कैसे, बुक्स जो हैं हमारी, हम उसे समझना पड़ता है, फिर उसके बाद कई जो हैं क्रैम करते हैं, वही जाके जो है अपने लिखाते हैं पेपर्स में। ठीक है, तो वो जो है क्रैमिंग है, पर हमें समझ नहीं आया। लेकिन जो हिडन करिकुलम है वो हमें इजीली समझ आता है। ठीक है, जैसे मॉर्निंग असेंबली होती है, उसमें जो समझाया जाता है। ठीक है, तो हर एक अपने जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं, उनके अपने अपने नॉर्म्स होते हैं। ठीक है, तो वो जो बच्चे हैं वो उन्हें अच्छे से समझते हैं। ठीक है, तो ये भी जो है एक हिडन करिकुलम का ही पार्ट है। नेक्स्ट है प्रोवाइड अवेयरनेस, इंक्लूड बोथ पॉजिटिव एंड नेगेटिव मैसेज। इसमें जो है, जो हमारा हिडन करिकुलम है वो क्या करता है, हमें जागरूकता देता है, अवेयरनेस प्रोवाइड करता है। ठीक है, अब अवेयरनेस जो है वो दो तरह की होती है, पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। ठीक है, अगर एग्जांपल लेते हैं रीजनलिज्म की बात की जाए तो ये एक नेगेटिव मैसेज है। ठीक है, अगर हम इक्वालिटी की बात करें तो क्या है, वो एक पॉजिटिव मैसेज है। ठीक है, तो इस तरीके से डिफरेंट डिफरेंट अवेयरनेस जो है प्रोवाइड की जाती हैं। नेक्स्ट है डिफरेंट फॉर्म फ्रॉम फॉर्मल करिकुलम। ठीक है, फॉर्मल करिकुलम क्या है, जो हमारा कोर करिकुलम है, जो प्रिस्क्राइब्ड होता है, जो यूनिवर्सिटीज़ द्वारा दिया गया होता है। ठीक है, उससे जो है ये थोड़ा बहुत डिफरेंट होता है। ठीक है, ये जो है एक व्यक्ति जो इंडिविजुअल है उसको उसके आगे मॉरल वैल्यूज़ की वृद्धि के लिए, इन्हांसमेंट के लिए जो है ये बनाया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है इट रेफर्स अनरिटन एंड अनऑफिशियल। ठीक है, जो हमारा हिडन करिकुलम होता है वो कोई भी रिटन नहीं होता, हमारा जो कोर करिकुलम होता है वो रिटन होता है। ठीक है, मैं साथ साथ में इसलिए बता रही हूँ क्योंकि अगर हम आगे जाके डिफरेंस करेंगे हिडन करिकुलम का और कोर करिकुलम का, तो हमें इजीली पता होना चाहिए कि हिडन करिकुलम क्या है और कोर करिकुलम क्या है। ठीक है, तो ये जो हमारा हिडन करिकुलम है वो अनरिटन करिकुलम होता है। ठीक है, ये लिखती नहीं होता, लेकिन ये क्या करता है, जितने भी व्यक्ति हैं उनकी मॉरल डेवलपमेंट करता है। ठीक है, उन बच्चों में वैल्यूज़ के इन्हांसमेंट के लिए जो है ये ऐड किया जाता है। नेक्स्ट है स्टूडेंट्स लर्न अनकॉन्शियसली थ्रू हिज हर एफर्ट्स। ठीक है, तो ये जो है स्टूडेंट्स जो हैं वो कैसे लर्न करते हैं, अनकॉन्शियसली, उन्हें उसके बारे में इतना पता नहीं होता। जैसे हम मॉर्निंग असेंबली में जाते हैं, ठीक है, तो उससे जो है बहुत सारी वैल्यूज़ जो हैं ट्रांसमिट होती हैं हमें। ठीक है, तो हम ओबे करने लग जाते हैं। तो इसी तरीके से जो है स्टूडेंट्स लर्न करते हैं। ज़रूरी नहीं है कि हर एक लर्निंग जो है वो कॉन्शियसली ही की जाए, तो कुछ लर्निंग जो है वो अनकॉन्शियसली भी होती है। ठीक है, तो हिडन करिकुलम जो है वो ही अनकॉन्शियसली लर्निंग है। ठीक है, नेक्स्ट इज़ लाइफ लॉन्ग लर्निंग। इसमें जो है कोई क्रैमिंग नहीं होती, बच्चा जो है अच्छे से समझता है हमें क्या करना है क्या नहीं करना, वैल्यूज़ जो हैं ट्रांसमिट होती है। ठीक है, जैसे आज्ञा का पालन करना है। ठीक है, तो इसी तरीके से इसमें क्या होता है, लाइफ लॉन्ग लर्निंग होती है। जैसे हम एक्टिविटीज़ करते हैं, एक्टिविटीज़ से जो है व्यक्ति या फिर बच्चा जो है वो ज़्यादा सीखता है। ठीक है, और भूलता भी नहीं है। ठीक है, तो इसीलिए एक तरह की लाइफ लॉन्ग लर्निंग है। नेक्स्ट है नो पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन। हिडन करिकुलम जो है इसके कोई भी ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। ठीक, और जो डिफरेंट डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं वो सिर्फ प्रिस्क्राइब्ड सिलेबस के लिए हैं।
और ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं उनका अपना कोई भी करिकुलम जो है उसकी अपनी कोई भी पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। नेक्स्ट है हिडन करिकुलम रीइंफोर्स द एग्जिस्टिंग सोशल इनइक्वालिटीज़। हिडन करिकुलम क्या करता है, जितनी भी इनइक्वालिटीज़ हैं उनको ख़त्म करता है। ठीक, इसमें जो है इसका मेन मतलब है कि इनइक्वालिटीज़ ना रहें, सभी जो हैं व्यक्ति इक्वल हों, उनमें मॉरल वैल्यूज़ आएँ, बच्चे की ओवरऑल डिवेलपमेंट के लिए जो है करिकुलम सिखाया जाता है। हिडन करिकुलम उसी का ही पार्ट है कि बच्चों की जो है ओवरऑल डिवेलपमेंट अच्छे से अच्छे तरीके से हो सके। डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट्स हैं, सोशली, मॉरली, फिज़िकली, डिफरेंट डिफरेंट एस्पेक्ट से बच्चों की डिवेलपमेंट के लिए ही जो है हिडन करिकुलम में वो कुछ किया जाता है, ताकि बच्चे जो हैं इजीली उन चीज़ों को ग्रास्प कर सकें और अच्छे से समझ सकें। ठीक है, तो इसी तरीके से ये हिडन करिकुलम होता है। होप यू लाइक दिस। थैंक यू।